ब्रदर ये फायरिंग हो गई अब तो पड़ी पड़ी खरा... नहीं नहीं नरम है ब्रो जा तुझे पता ही नहीं है स्नूकर का इसको मैंने बड़ी गेम हराई है इसको खेलने नहीं आती नहीं है बच्चा है ये बच्चा सेंचुरी में मेरे से पीछे ही रहते थे आप अगर याद करो तो बस कर दो इन भाई ने अभी कैच मिस किया था थोड़ी देर पहले ये अर्शदीप भाई के साथ बहुत बुरा होना ड्रेसिंग रूम में इन्होंने पहले जो है कैच मिस किया है और अब जो है वो मार खा रहे हैं बढ़ गए भाई बड़ी परेशानी चल रही है समझ नहीं आ रहा क्या होगा हमारी रिवायत बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह हम पहला मैच हारते हैं और फिर सीरीज पूरी जीत जाते हैं अब ठीक है इसके अंदर मैग्नेट है चिपक रहे मेरी छत के साथ अरे ऐसे हो जैसे अभी गन निकालोगे सेटिंग हो रही है कैमरे हाँ इंट्रो बन रहा चलो इसी बात पे तुम बाहर आओ मैं तुम्हें कैमरा पकड़ाता हूँ मैंने इधर रखना ही है अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है इसे मजे में होंगे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग भाई चेक करो जरा लालू क्या जगमग जगमग कर रही है फुल चमक रही है आज हमने लालू निकाल ली है और लालू को निकालने का एक मकसद है मकसद ये है कि आपको पता है कल पाकिस्तान वर्सेज इंडिया था और जब जीत की खुशी हो ना तो जीत की खुशी अक्सर जो है ना गीतों से मनाई जाती है तो हमारी लालू में कोई गीत सुनाई नहीं दे सकता क्यों क्योंकि इसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो नहीं चल रहा एम्प हम आफ्ताब भाई को दे के आए थे अगर आपको याद एम्पलीफायर में प्रॉब्लम मतलब पैसे पूरे हो गए हमारे ठीक करा लेते हैं पैसे पूरे रिपेयर हो जाएगा आज के ब्लॉग में हम लालो का जो है वो साउंड सिस्टम अपग्रेड करने वाले हैं स्पीकर्स एम्पलीफायर और एक बेस्ट्यू जो हमने मार्केक्स के लिए खरीदी है हमने वो भी चेक करनी है लगा के आया वो ठीक चलती भी है या नहीं चलती क्योंकि मैंने उसको अभी तक ट्राई नहीं किया ना चेक किया कि वो काम करती है या नहीं करती आपको वो बेस्ट्यू भी दिखाते हैं आ जाए पहले लालो चेक करें क्या बात अब आप बेस्ट्यू चेक करें कैडेंस की बेस ट्यूब है ये हमने सीआरजी के अंदर जब साउंड सिस्टम अपग्रेड किया था तो ये उसके अंदर लगाई थी ये वो उसकी बेस ट्यूब नहीं है लेकिन ये सेम ब्रांड की बेस ट्यूब है अच्छी है चेक की हुई है हमने आफ्ताब भाई से जाके पूछते हैं ये ओरिजिनल है या कॉपी है ओके यार भाई थैंक यू बहुत शुक्रिया लेट्स गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो आज ना आज सब्सक्राइब ना करो आज आप सब्सक्राइब करो शायद आप इसी बहाने सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक करो और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते आज एक तो मौसम इतना खूबसूरत है और हमने लालो बड़े दिन बाद निकाली है ना तो पता नहीं क्यों अजीब सा एक छिछोरा जो मेरे अंदर हर बंदे के अंदर होता है वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि बड़ी गड्डियां चलाइया ने उस्ताद बड़ी गड्डियां चलाइया ने उस्ताद लेकिन इस गड्डी का स्वाद ही अपना है अस्सलामुअलैकुम सर जी कैसे हैं ठीक है तबीयत ठीक है बस मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ आज मज़ा आएगा काम करने का रिपेयर हो गया बेहतरीन एवन हो गया बेस्ट हो गया बेस्ट हो गया या इसने बड़ा साथ दिया मेरा बहुत अरसे से मेरा साथ दे रहा है और अभी तक चल रहा है और ये आ गए हमारे ब्रांड न्यू फ्रंट डोर के स्पीकर्स ओ माय गॉड ये इनके पास कोई तक पिछले को दो ढाई तीन महीनों से पड़ी हुई है लारे ही चल रहे हैं कभी मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ कभी ये कहते हैं तुम आ जाओ खिचड़ी बनी हुई थी लेकिन आज फाइनली ये स्पीकर्स आफ्ताब भाई किसी तरह ऊपर नीचे करके फिट कर देंगे गाड़ी के अंदर है मुश्किल काम क्योंकि ये इसका है नहीं कड़ा तो इसको इसके अंदर फिट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क कोई ऑल्ट्रेशन टाइप ही सीन होगा लेकिन ये हम आज फिट करने वाले हैं ये नाका मिची कंपनी है कैसी है फर्स्ट टाइम सुना मैंने नाम से मेड इन जापान कंपनी है अब मेड इन चाइना ही आ रहा है सारा लेकिन आज की नहीं 1948 की ये कंपनी है अच्छा पुरानी है 48 में स्पीकर आते थे ये भैया नाका मिची
नाकामिची के स्पीकर्स है जो कि हम लालो में इंस्टॉल करेंगे। फ्रंट डोर्स के स्पीकर जो है ना, मेरी एक हसरत ही रह गई थी कि फ्रंट डोर्स में अच्छे स्पीकर लगे, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, उसमें बड़े स्पीकर लगते नहीं है जो आम आजकल गाड़ियों में लगते हैं। लेट्स होप सो ये फिट आ जाए उसके अंदर, क्योंकि उसके साथ अगर ग्लास टच होगा या कोई चीज टच होगी तो फिर ये हम ना इसमें फेल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आफ्ताब में, ये पहले भी एंड्रॉइड बड़ी मुश्किल से फिक्स करती थी, तो ये भी इसका भी कोई जुगाड़ कर ही देंगे। It's not as thick as you high end. कोई चैन नहीं है तुम्हें, मेरी गाड़ी तैयार हो ये तो तुम्हें भी होता, मेरी भी हो जाए साथ थोड़ी। यार मैं कह रहा हूँ लगे काम हो जाना चाहिए। ये चेक कर रहे हो नए स्पीकर्स? नकम्मी ओए नकम्मी तेरी नाकामीची है ये। नाकामीची नहीं नकम्मीची। मुझे लग रहा है ये ड्राइवर साइड का था। चलें आज देख लेते हैं किसकी याददाश्त तेज है। तो आप भाई लेफ्ट साइड का खोल रहे हैं, तो मुझे जहां तक याद पड़ रहा है राइट साइड का वो खड़ा था। देखते हैं किसकी याददाश्त तेज है। आपके भाई की वैसे कमजोरी है ये। आफ्ताब भाई की याददाश्त ठीक नहीं ली। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात है उठे रह। रातों को जाग जाग के आपके लिए एडिटिंग कर करके ना दिमाग ही फारिग हो गया। हेलो जी, आफ्ताब भाई ने फिट कर दिया स्पीकर और अब हमने चेक करना है कि ये कहीं पे अड़ तो नहीं रहा। अल्लाह खैर ही करे। बिस्मिल्लाह पढ़ के आफ्ताब पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड का काम हो रहा है। टोटल जेन्युइन दरवाजे। ये चेक कर रहे हैं आप साइज इसका, इस स्पीकर ने कितनी को आवाज निकाल लेनी है। और ये इतना गंदा स्पीकर है यार आफ्ताब भाई, इस साइज में कोई अच्छे स्पीकर आते हैं? नहीं आते ही नहीं है। ये इतना से बस। ये तो खत्म हो गया है। भाई वैसे इसमें वो डैम्परिंग शीट्स ही लगनी चाहिए। चुप कर बे कुत्ते साले तू। बॉयज ये है वो स्पीकर जो हमने लालो में ए लेफ्ट साइड पे फिट कर दिया है, और ये वो स्पीकर है जो लालो में पहले लगा हुआ था और चलता भी नहीं था। एक सेकंड अफ्ताब भाई, एक सेकंड। तो ये स्पीकर का आप साइज चेक कर सकते हो, तो इस स्पीकर में से आप खुद हिसाब लगाओ कि आवाज कितनी को निकल जाएगी। ये ना होने के बराबर होता है। मोटरसाइकिल वाला स्पीकर है। अभी ये हम फिट कर लें। ऑल्ट्रेशन कैसी होती है तो वो आप देख सकते हैं, वो ऐसे होती है। आफ्ताब भी लगे हुए हैं ऑल्ट्रेशन करने, लेकिन अभी तक स्पीकर उस जो है ना उसके अंदर सेट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैं आपको अभी का जो मौजूदा साउंड सिस्टम लालो का है ना वो मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या क्या फिट किया। बेटी की खोलना छोटे। खोलना बे प्यारा भाई नहीं। चल खोल से डिगी। नहीं नहीं बोल। अच्छा सॉरी यार। चल चल सॉरी बासिम भाई। बोल लो चल डिगी तो डिगी खोल। वो है उसके अंदर ही है। चल ड्राइवर छुट्टी का है। इसके अंदर मौजूदा ये जो बेस्टी आप देख रहे हैं ये वाली, ये हमने जो है ना चोरी की थी अली भाई से। अली भाई ने हमें बेची थी विट्स। विट्स के अंदर ये लगी हुई थी, हमने इसके अंदर से क्रिच करके हमने लालो के अंदर ठोक दी, क्योंकि विट्स में उसका भी काम नहीं था। हमने लालो के अंदर वो लगा ली। ये बेस्टी बहुत मजे की है, रूम के अंदर बेस रहती है, बाहर वाले तंग भी नहीं होते, अंदर आपको फुल इंजॉय करवाती है। अच्छा बेस्टी तो आपने देखी है, इसके अंदर पायनियर की बेस्टी लगी हुई है। और अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर इसके अंदर केनवुड के 718 दो स्पीकर पीछे लगे हुए हैं। अब आगे जो आपने देख लिया है नामा किची टू जो भी उसका नाम था जापानी कंपनी का, अब हमने आगे वो दो स्पीकर लगाए। एम्प की बात करें तो रॉक मार्च का 3200 वॉट का एम्प है, और ये है पूरा साउंड सिस्टम लालो का। ना कोई बहुत हाई एंड है, ना कोई बहुत ज़्यादा चीप है, नॉर्मल सा साउंड सिस्टम है जिसमें मुझे मेरी गाड़ी में बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बेस्टी हमने लगानी है ना, ये बीच में चेक भी करनी है। स्नूकर खेलने जा रहा है, चल ठीक है जीत गया मेरा भाई। एम ही नहीं चलेगी, मैंने भाई ये टिप चेंज करवाई थी। ब्रदर ये फारिग हो गई अब तो पड़ी पड़ी खरा... नहीं नहीं नरम है ब्रो, नरम जा, तुझे पता ही नहीं है स्नूकर का। इसको मैंने बड़ी गेम हराई है, इसको खेलने नहीं आती नहीं है। बच्चा है ये, बच्चा है, सेंचुरी में मेरे से पीछे ही रहते थे आप अगर याद करो तो। बस कर दो। स्नूकर पे ये सीन होता था आपका भाई 200 करता था, बाकी सारे 100 करते थे। मैं 200 करता था, ये 150 करता था, और बाकी सारे 100 करते थे। ये स्नूकर का सीन होता था। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता, नॉर्मल सा एवरेज सा प्लेयर था, बाकी सारे नल्ले थे। ये भी सच ये बोला तुमने। हाँ चल निकल। इससे फ्रंट स्पीकर है। मास्क खोल।
लेफ्ट वाला चल रहा है, राइट वाला नहीं चल रहा। अगले स्पीकर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं यार, बहुत अच्छे चल रहे हैं जेन्युइन। बेस्ट्यूब चलने लगी है अब। अभी सेटिंग होगी तेरी, मैं इसको साइलेंट पे कर। वो बेस्ट्यूब रख के देख ले, उसको चेक ना कर रहे हैं अभी। वो पहले हमारा तो सिस्टम तो क्लियर हो। क्या लेटने लगे हो? ये भी चेक करते हैं, ये चल सकता साथ एक साथ? काश चल सकता होता। लो भैया हमारा सिस्टम तो ऑलमोस्ट पैक हो गया, सिर्फ उसकी सेटिंग रहती है जो अब आप अंदर से बैठ के करेंगे। तो हमने ये अभी मार्केट्स में लगवाना है, इसीलिए ये बेस्ट्यूब भी चेक कर रहे हैं कि ये ठीक काम करती है या नहीं करती। अब तभी ये ओरिजिनल है ना जो हमने लगाया था सीआरजी में? हाँ। ऐसे ही है ना? बस सही है। ऑन करो, प्ले करेंगे। दोनों डब्बे पड़े रहने दें, उसको चला के चेक करें। वैसे ये सॉफ्ट बेस वैसे ये लगाएं, जब गाड़ी मार्केट में लगाना है तो यहाँ तारू तारू वहाँ लगा देंगे बस। अच्छा मतलब अभी ये चलने दें, सारा चेक कर। तो जनाब आर यू गाइस रेडी टू लिसन टू लालोज न्यू साउंड सिस्टम? तो जनाब हमारी लालो का साउंड सिस्टम अपग्रेड हो गया। चल चल ऊँचे हो जाने वो। तो हमारी लालो का साउंड सिस्टम फाइनली अपग्रेड हो गया, स्पीकर्स भी चल गए हैं, और जो बेस्ट्यूब है वो मार्केट की लगाई है हमने, ताकि हम वो भी दो चार दिन टेस्ट कर लें। और बड़े मज़े का साउंड सिस्टम हो गया, पता नहीं आपको आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही, लेकिन बड़ा मज़े का मैं कहता हूँ पप्पू साउंड सिस्टम हो गया। और इंशाल्लाह रूडी का भी जल्द साउंड सिस्टम आएगा, पता नहीं कब आएगा लेकिन जल्द आएगा, अभी प्रोजेक्ट में बड़ी देरी है। तो आज का ब्लॉग यार यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग और मज़े का लगाओ, और ये जितने भी अपग्रेड हमने किए आपको पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अगर नहीं करें आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना है आज जैसे कि मैंने सुबह बताया था आपको। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इंस्टा पे भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. टिकटॉक बन रहा है इधर। क्या हुआ? नीचे बैठी हुई है वो, नीचे की हुई है, खुद की हुई है टायरों की वजह से। हाँ जी, टायर भी और वो शॉक होते हैं ना, वो नीचे उनसे नीचे की है। यार ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी मुझे कभी बड़ा नहीं होने देगी कसम से यार, बच्चा बनाया हुआ इस गाड़ी ने मुझे। अगला पोज बताएगा कार, किमी कार उसको अच्छी है। हाँ।